गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन 11, मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, चंद्रमा और जो उसके कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. रात्रि में आकाश में जब चंद्रमा क्या करता है, सबसे चमकीली वस्तु होती है. ठीक है. और इसका अपना कोई प्रकाश भी नहीं होता है. हाउ डज इट शाइन एट नाइट. रात में ये कैसे चमकता है. द मून शाइन एट नाइट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्ट द सनलाइट. ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है. सिंस द मून इज नियरर टू द अर्थ इट अपीयर टू बी बिगर देन द स्टार. अब ये बता रहा है ना, ये बोल रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है. ठीक है. यह जो सितारों से सबसे बड़ा लगता है. ठीक है. लेकिन वास्तव में सभी तारे और ग्रह क्या हैं, चंद्रमा से बहुत ही बड़े हैं. बट द एक्चुअली ऑल द स्टार एंड द प्लैनेट्स आर मच बिगर देन द मून. ठीक है. इन सबसे ये चांद से बहुत बड़े हैं. द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स. चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. It takes 27 days and 8 hours to complete the revolution. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि ये क्या करता है, यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और एक मतलब पूरा चक्कर करने में इसको कितना टाइम लगता है. ठीक है. 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं. ठीक है. एक पूरा चक्कर करने के लिए. ठीक है. पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है सरफेस ऑफ द मून. माने चंद्रमा की सतह कैसी है. ठीक है. द सरफेस ऑफ द मून इज रफ अनइवन एंड कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट. द मून इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स. ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ द मून अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैचेस. क्रेटर्स आर सॉसर्स शेप्स होल. अभी ये बोलता है चंद्रमा की सतह खुदरी होती है. ठीक है. और मतलब असमान माने जो अनइवन होती है, ऊपर नीचे होती है और गहरे भूरे रंग की है ना, धूल से ये ढकी होती है. ठीक है. इस तरह की चंद्रमा की सतह बताया गया है. चंद्रमा पहाड़ों और क्रेटर से बना होता है, गड्ढे वगैरह हैं उसमें. ठीक है. पहाड़ है इसके कारण चंद्रमा की सतह क्या होती है. ठीक है. इसके कारण ठीक है चंद्रमा की सतह उज्ज्वल और गहरे पैच से मिलकर प्रतीत होती है. ठीक है. दिखते हैं उसमें गहरे पैचेस वगैरह दिखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है. ये आप देख सकते हैं. ठीक है. जो क्रेटर्स होते हैं वो एक थाली की तरह होता है, तस्तरी जिसे बोलते हैं, कि आकार के होते हैं. ओके. ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इनको बोला जाता है. नेक्स्ट, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. अब यहाँ पे बताया गया है चंद्रमा पर जीवन नहीं होता है. देयर इज नो एटमोसफियर सराउंडिंग द मून. सो देयर इज नो विंड रेन एंड क्लाउड्स ऑन द मून सरफेस. तो चंद्रमा के आसपास कोई वातावरण नहीं होता है, तो चंद्रमा की सतह पर हवा नहीं होती, बारिश और बादल भी नहीं होते. द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज एक्सट्रीमली हॉट एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन इज फ्रीजिंग कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ. अभी ये बोल रहे हैं सूर्य के समान जो होता है, सूर्य के सामने ठीक है चंद्रमा का पक्ष दिखाई देता है ना, एक तरह सूर्य और दूसरा चंद्रमा. ठीक है. एक ही साइड दिखाई देगा. वो पक्ष क्या होता है, बेहद गर्म हो जाता है और सूर्य के और सूर्य से जो दूर है ना ठीक है वो क्या होता है, और जो सूर्य से दूर वाला भाग होता है ठीक है अपोजिट हम बोल सकते हैं कि वो ठंडा रहता है. ठीक है. क्योंकि अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर कोई क्या नहीं होता, वायु नहीं होती है. ठीक है. इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री के पैरों के जो निशान होते हैं हमेशा के लिए वहां पे बने रहते हैं. एज देयर इज नो एयर ऑन द मून. ठीक है. द एस्ट्रोनॉट्स फुटप्रिंट्स रिमेन देयर फॉरएवर. इसलिए वहां पे जो जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके पैरों के निशान वहीं पर वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वहां हवा भी नहीं होती है. ऑल्सो नोबडी कैन इवन हेयर ए साउंड ऑन द मून एज साउंड एज ट्रेवल इन एयर. ठीक है. अब ये बना रहे इसके अलावा कोई भी चंद्रमा पर आवाज सुनाई नहीं देख सकती. ठीक है. सुन भी नहीं सकते हम. ठीक है. क्योंकि वहां पे क्या नहीं होती, वो साउंड ही नहीं होता. ठीक है. हवा में यात्री रहते हैं, इसलिए वहां पे सुन भी नहीं सकते. ठीक है. वो जो हमारी जो साउंड होती है वो हवा में ही इधर उधर बहती रहती है हम बोल सकते हैं.
ग्रेविटी ऑफ द मून। अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे होता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हम बोलते हैं ग्रेविटी को, ठीक है। द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बल से पृथ्वी पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून, मतलब गुरुत्वाकर्षण का यह बल जो है चंद्रमा पर भी मौजूद होता है। द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। अब ये बोल रहे हैं कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।